my YouTube channel Srirups, and it's my channel all about Runo. So today I am back with a new video. So ये वाला जो video होगा वो बहुत ही informative होगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा comments आया है as usual कि मुझे इस आप लोग इस बारे में जानना है. So I will make a video in this topic. The topic is Amazon salaries. What is the salary of the associate for different job role there? Ask me. So I will give you a clue. Brief idea that what is the salary. So let's get started. So अगर आप लोगों ने मेरा videos नहीं देखा होगा, so yes I am working in Amazon and I had uploaded so many videos that how you can apply for this role and what to do to get your job role. एंड आपको असेसमेंट क्लियर करना होता है, फिर आपको अमेजोन में जॉब मिलता है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे असेसमेंट जो है वो पास करना है, सारा कुछ वीडियोस मैंने डाल के रखा है. प्लीज गो थ्रू ऑल दिस वीडियो इफ यू वांट टू ज्वाइन अमेजोन. एंड इसमें मैंने बहुत सारा जो वीडियो अपलोड करके रखा है उसमें मुझे कॉमेंट्स आया है कि वट इज द सैलरी रेंज फॉर द फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. So right now I'm working in Bangalore. So I'm from West Bengal, but I am living in Bangalore. And my job role is transportation representative role. And my work location is Bangalore. तो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूँ कि वट इज द सैलरी रेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव. इफ यू गूगल इट यू कैन चेक देयर इज अ रेंज लाइक 1.8 to 3.2 lakhs. Okay, it is showing 1.7 lakhs to 4.5 lakhs for transportation representative. तो आप लोग सोचेंगे कि इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है सैलरी का 1.7 to 4.8. वो ऐसा होता है क्योंकि आपका जो सैलरी होता है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से जो है वो अपना जॉब करने वाले हो. देयर आर वेरियस स्टेट विच इज बीसीसी अप्रूव्ड लाइक कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. तो ये सब जो बीसीसी अप्रूव स्टेट है अलग अलग जो है वो सैलरी रेंज भी है, क्योंकि सैलरी जो है वो होता है आपका द कॉस्ट ऑफ लिविंग. इसके हिसाब से जो जिस भी स्टेट में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पे सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है. अकॉर्डिंगली इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, कोलकाता से ज़्यादा सैलरी रेंज बैंगलोर में है क्योंकि बैंगलोर पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है. दैट्स वाई सैलरी भी ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया जाता है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है. 1.7 to 4.5 से वीक रेंज. और ये आपको अपनी स्टेट के हिसाब से मिलता है. कभी कभी एक्सपीरियंस भी अगर आपका काउंट किया जाए, इफ़ यू हैव लाइक 2, 3, 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू आर अप्लाइंग, सो मे बी इसके वजह से भी आपका जो है वो सैलरी डिफर होता है. प्रेशर से ज़्यादा एक्सपीरियंस को मिलता है. तो मैं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक जो सर्टेन रेंज में आपको बता सकती हूँ कि इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर और इन अमेजोन इन दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, सो आप मिनिमम जो आप मान के चल सकते हो वो होगा 17,000 इन हैंड सैलरी. 17,000 आप जो है वो आपका CTC मान के चल सकते हो 19,000, जो कि मैं सबसे ज़्यादा कम बता रही हूँ. आप कोई भी अदर स्टेट से हो, आई थिंक सबसे कम होता है 19, जिसमें आपको लगभग 17K मिलता है इन हैंड, जो उसमें PF ज़्यादातर सभी स्टेट में सेम ही रहता है 1800 rupees. एंड ऑल्सो आपका प्रोफेशन टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है. सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद यू विल गेट लमसम 17,000 इन हैंड, जो कि मैं सबसे कम रेंज में बता रही हूँ. उससे ज़्यादा भी होता है, जैसे कि मैंने बोला स्टेट वाइज ये डिफरेंट होता है. तो ज़्यादा 2,000-3,000 का ही डिफरेंट होता है, लाइक 17 कहीं पे 18 कहीं पे 20 कहीं पे 21,000 इन हैंड. उससे ज़्यादा मैंने अभी सुना नहीं है किसी का. तो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग न्यू देन एंड इससे ज़्यादा मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना है, तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ इतना मिलता है. से अबाउट द गो AI एसोसिएट जॉब रोल, क्योंकि मुझे इस रोल के बारे में भी पता है. तो जो गो AI एसोसिएट का जो सैलरी रेंज होता है वो भी लगभग सेम ही होता है. यू कैन एक्सपेक्ट 17,000 इन हैंड, सबसे मिनिमम 17 नहीं, मैं गो AI एसोसिएट के लिए बताऊंगी 16,000. फॉर गो AI एसोसिएट जॉब रोल यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 16,000 इन हैंड. एंड ये अगर स्टेट वाइज ये भी डिफर होता है, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो सुना है फ्रेशर के लिए वो है 21,000 इन हैंड.
तो आप ये एक मान के चल सकते हो 16 to 21,000। आपको बताऊंगी कि सैलरी के अलावा आप लोगों को क्या क्या अलाउंस मिलता है। तो आप लोगों को मिलता है ओटी, ओटी मीन्स ओवर टाइम अलाउंस। अगर आपका जो भी शिफ्ट आवर रहेगा लाइक 8 आवर्स या फिर 9 आवर्स, अगर इसके अलावा भी आपको बोला जाता है दैट येस दे हैव सम बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड आपको 1-2 घंटा ज़्यादा काम करना होगा, सो दे विल पे यू ओटी ओवर टाइम अलाउंस। और जो ओवर टाइम अलाउंस होता है वो भी डिफर होता है स्टेट वाइज। कहीं पर भी ओटी के लिए आपको दिया जाता है 180 रुपीज, कहीं पर आपको दिया जाता है पर आवर 225 रुपीज, और कहीं पर मैंने सुना है दिया जाता है 200 रुपीज पर आवर ओटी। दिस इज ओवर टाइम अलाउंस। कभी कभी होता है कि आपका बिल्कुल छुट्टी है एंड दे आर आस्किंग यू टू डू बिजनेस रिक्वायरमेंट, सो दे विल गिव यू फुल डे ओटी। सो ये भी स्टेट वाइज तो आपको मिलेगा पूरा 8 आवर्स ओटी। आपको कुछ मैंडेटरी ऑफ मिलता है, मैंडेटरी ऑफ में अभी अभी जो गया है फर्स्ट ऑफ मे जो है वो फुल जो है वो ऑफ होता है अमेजोन पे। आपका छुट्टी होता है लाइक मैंडेटरी ऑफ में आपको पूरा छुट्टी होता है। यू कैन इफ यू वांट टू टेक अ लीव, इफ यू वांट टू टेक अ डे ऑफ, सो इट्स अ मैंडेटरी ऑफ। यू विल गेट द पेड लीव, यू विल गेट द पेड लीव, बट इफ यू वांट टू वर्क तो आपको बोला जाएगा बाय योर मैनेजर इफ यू वांट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर मैंडेटरी ऑफ यू विल गेट फुल डे ओटी। और एक जो अलाउंस होता है वो होता है नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर आपका शिफ्ट जो है वो नाइट शिफ्ट है लाइक 6 बजे से शुरू हो रहा है या फिर 7 बजे से शुरू हो रहा है तो आपका चल रहा है अभी 3-4-5 बजे तक, तो दिस इज कॉल्ड नाइट शिफ्ट। एंड नाइट शिफ्ट अलाउंस में भी आपका स्टेट वाइज जो है वो डिफर होता है, लेकिन इसमें भी आपको मिल जाता है नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर आपका काम 4-5 बजे तक होता है तो इसमें आपको बहुत अच्छा एक नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है लाइक 150 to 225 यू कैन अज्यूम एज पर योर स्टेट। तो इसमें आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी अच्छा खासा मिल जाता है। सो दिस इज इट। तो आई थिंक जो मैंने बोला है आप लोगों को तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आया था, आई थिंक आई हैव गिवन यू आंसर्स। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल बी बैक विद अ वेरी गुड वीडियो। सो तब तक लेट, टाटा।